इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सही तरीके से की गई प्रार्थना आपकी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकती है। चलिए डॉक्टर जो डिस्पेंसा से जानते हैं कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको खुद से पूछना होगा कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक ऐसा विचार है जिसमें आपके निर्देशित इरादे का गुण होता है, यानी आपकी प्रेयर में आपकी इंटेंशन छुपी होती है। आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप खुद को भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। प्रार्थना और विश्वास दोनों एक साथ चलते हैं। तो विश्वास क्या है? हम कह सकते हैं कि किसी भी विचार पर यकीन करना विश्वास कहलाता है, और इस विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि ये आपके प्रेजेंट कंडीशन और आपकी ज़िंदगी में आने वाली किसी भी चैलेंज से बड़ा होता है। और जब आपकी प्रार्थना में विश्वास जुड़ जाता है, तब जब आप प्रार्थना करके उठते हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि आपकी इच्छा जरूर मैनिफेस्ट होगी, तब आपका मन और शरीर बिल्कुल सही स्थिति में होते हैं। चलिए एक बार प्रार्थना की प्रक्रिया को और डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में या किसी और की ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियों को इमेजिन करते हैं जैसा आप अपनी ज़िंदगी में नहीं होने देना चाहते, तब आपके दिमाग में स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और आपके मन में नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। अभी तक वो नेगेटिव इवेंट आपकी ज़िंदगी में घटा भी नहीं है, तब भी आप उसके प्रति नेगेटिव इमोशंस महसूस करने लगते हैं, तो वो इवेंट आपको परेशान करे इससे पहले उस इवेंट के इमोशंस आपको परेशान करने लगते हैं और आप फियर, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सफरिंग और सैडनेस जैसे नेगेटिव इमोशंस को महसूस करने लगते हैं, और ऐसे वक्त में आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में प्रार्थना एक विचार के रूप में शुरू होती है और धीरे धीरे करके एक विचार कई नकारात्मक विचारों में बदलने लगता है। लेकिन प्रार्थना करने के दौरान हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य को इमेजिन करते हैं, क्योंकि इसी तरह से हमारा दिमाग बना है और हम ऐसा स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। इसे इंटेंशन यानी इरादा कहते हैं। इसके बाद जब हम अपनी इच्छा को पूरा होते हुए इमेजिन करने लगते हैं, तब हम अपने दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस महसूस करना शुरू कर देते हैं। हमारा थॉट एक्सपीरियंस में बदलता है और एक्सपीरियंस से इमोशंस पैदा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम आंखें खोलकर अपनी रियलिटी को देखते हैं। हम देखते हैं कि जिस इच्छा को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो इच्छा रियलिटी में पूरी नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले हम जिस इमोशन को अपने प्रेजेंट मोमेंट में महसूस कर रहे थे, वो इमोशन अब शंका और कमी में बदल जाती है। तब हम और अधिक प्रयास करने लगते हैं और अधिक कठिन प्रार्थना करने लगते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से भीख मांगने लगते हैं, उनसे विनती करने लगते हैं, और ये सब करने से आप अपनी इच्छा से और भी ज़्यादा दूर जाने लगते हैं। आपके सेंसेस यानी आपकी इंद्रियां आपको मूर्ख बनाने लगती हैं कि आप यूनिवर्स से अलग हैं, और आप अपनी इंद्रियों पर विश्वास करने लगते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ आप यूनिवर्स से सेपरेशन यानी अलगाव महसूस करने लगते हैं, बल्कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से भी अलग होने लगते हैं, जिसके साथ जुड़े रहकर ही आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना के इरादे को पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रार्थना में इमोशंस को मिस कर देते हैं, और जब एक बार वो लोग फीलिंग और इमोशंस को महसूस नहीं कर पाते हैं, तब वो लोग अपनी ज़िंदगी में केवल अपनी कमियों पर फोकस करते हैं, जबकि उन्हें यूनिवर्स के साथ जुड़ाव, एकता, प्यार और पूर्णता के इमोशंस को महसूस करना चाहिए। आपके थॉट्स आपके दिमाग की भाषा है और इमोशंस आपके शरीर की भाषा है। आप कैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, ये दर्शाता है कि आप इस वक्त किस स्थिति में हैं। तो आपका दिमाग कह रहा है कि ये इरादा यानी आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी, लेकिन उसी वक्त आपका शरीर कहता है कि ये पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें इमोशंस की कमी होती है। तो आपका दिमाग और शरीर दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए आपको अपने दिल को खोलने और ग्रेटिट्यूड महसूस करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे कि आपकी प्रार्थना पूरी हो चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड स्टेट ऑफ रिसीवरशिप यानी प्राप्ति की अवस्था को दर्शाता है। आप धन्यवाद तब कहते हैं जब आपको कुछ मिलने वाला होता है या फिर मिल चुका होता है, और जब आप कई बार और सही तरीके से ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, तब आप अपने भविष्य के इमोशंस को महसूस करने लगते हैं।
और जितना ज़्यादा आप इस इमोशन को महसूस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके शरीर को इसकी आदत लग जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हर बार जब हम ये सोचकर प्रार्थना करके उठते हैं कि हमारी प्रार्थना पूरी हो चुकी है, इसका मतलब जब हम अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट होते हुए महसूस करते हैं तब हम ऐसी स्थिति में जीने लगते हैं जिसमें हम जबरदस्ती अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम पहले से मान चुके हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है। इस प्रोसेस में हो ये रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में कमी या अलगाव की स्थिति को महसूस न करके पूर्णता को महसूस करने लगते हैं। अब हम ये भविष्यवाणी नहीं करने लगते कि हमारी इच्छा कब, कहाँ और कैसे पूरी होगी, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में नई संभावनाओं की जगह बनाने लगते हैं और हमारी इच्छा इस तरह से मैनिफेस्ट होती है जैसा हमने पहले कभी नहीं सोचा था। इस तरह से हम न्यूटोनियन दुनिया, यानी ऐसी दुनिया जहाँ पर हमें सब कुछ पता होता है, इस तरह की दुनिया को छोड़कर हम क्वांटम दुनिया में प्रवेश करने लगते हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। इसके बाद हम यूनिवर्स से ये कभी नहीं कहते कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि हमने मान लिया है कि हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है। और आप इस स्किल को तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप अपने बाहरी वातावरण की किसी भी परिस्थिति से आज़ाद होते हैं। और हमेशा इसी अवस्था में रहने के लिए आपको अपने पास्ट के नेगेटिव इमोशंस और हैबिट से आज़ाद होना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग गलत तरीके से हुई थी। इसके लिए आपको अपनी प्रार्थना को केवल कहने के बजाय उसे महसूस करना चाहिए और उसे अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। इसके आगे का पार्ट 2 हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।